दोस्तों, स्वाद लाजवाब में आज हम बना रहे हैं कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस सब्जी है। घर में पकवान बना रहे हैं और ये सब्जी ना बनाए तो थाली अधूरी दिखती है। ये सब्जी बिल्कुल हम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे, लेकिन यहाँ अमचूर की जगह हम कुछ और यूज करेंगे, जिसकी वजह से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कद्दू 500 ग्राम, एक कच्ची आमी। कद्दू को काट लेंगे, इसका बीच का गूदा निकाल देंगे और छीलेंगे नहीं इसको, क्योंकि कच्चा कद्दू है। जो हरा होता है वो कच्चा होता है और इसके छिलके का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। आमी को छील लेंगे और बारीक बारीक काट लेंगे। कट के तैयार हो चुकी हैं दोनों चीज़ें हमारी। हरी मिर्ची काट ली है लंबी लंबी और अदरक को भी काट लिया है। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे और आधा चम्मच जीरा। भुन गए हैं दोनों चीज़ें। अब हरी मिर्ची और अदरक अच्छी तरह भून लेंगे इनको। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे और इसमें कद्दू डाल देंगे कटा हुआ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे, ताकि सारा मसाला कद्दू में कोट हो जाए और भुन भी जाए ये। एक मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है हमने और नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। पानी हमें इसमें डालना पड़ता है ताकि सब्जी कढ़ाई में लगे नहीं। इसे चेक करेंगे, इसमें और पानी डाल रहे हैं हम, क्योंकि कद्दू हमारा भी पका नहीं है। इसमें डालेंगे कच्ची आमी, अधपके कद्दू में कच्ची आमी जो काट के रखी हुई थी वो डालेंगे और इसे पकने देंगे लगभग 5-7 मिनट में। ये पक गया है, पक चुकी है पूरी तरह से सब्जी। रंग देखिए कितना सुंदर आया है इसका। और इसमें डालेंगे हरा धनिया और 2 चम्मच चीनी मीठा करने के लिए। कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी ही बहुत अच्छी लगती है। भंडारे में जरूर बनती है सब्जी। एक मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तैयार है सर्व करने के लिए सब्जी हमारी। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करना ना भूलें इस रेसिपी को। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी। थैंक यू।